ऑलराइट ही गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं यहाँ बात करूँगा अपने एक्वेटिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपने इंस्टाग्राम पे देख रखा है। सो, इसमें बहुत ही हाई डिटेल्ड ये कंसेप्ट है जो मैंने क्रिएट कर रखा है, और इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ भी रखी हैं मैंने जो आप नोटिस कर सकते हैं। लाइक ये क्लोथ में से ये निकलते हुए थ्रेड्स, और यहाँ स्टोन पे आप लाइटनिंग को भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है लाइक यहाँ की। ये सब हम इस बार कवर करेंगे। और मेन ये फिश और ये मून, नियॉन टाइप सा थोड़ा सा ग्लो दिया था मैंने, शायद अच्छा लगे या ना लगे। और एट दी एंड में इसमें जो स्नोफ्लेक्स डाल रखी हैं मैंने, तो वो भी आप सब डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली से। बहुत प्यारा कंसेप्ट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे क्रिएट करने में अपने आप से। और जो भी PNGs होंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में से। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ मैंने बहुत सारी PNGs पहले की डाल रखी हैं। अगर आप नीचे आते जाएंगे तो यहाँ आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप यहाँ पे नाम देखिए या इंस्टाग्राम पे नाम देखिए, तो वो नाम मैंने यहाँ पुट कर रखा होगा, तो उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए। और आप डेट के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, 1-2 दिन के फ़र्क पे अपलोड होगा वो शायद, लेकिन ज़रूर होगा। और ये लट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रीसेट्स में, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ, और कोई चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत नहीं भी मैं डालता ट्यूटोरियल उनके, तो वो मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ जिससे आपको इजी रहे, आप गो थ्रू हो जाएं। और यहाँ 1600 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू गाइज इस चीज़ के लिए, और डाउनलोड करते रहें यार PNG। अभी एक्वेटिक कंसेप्ट स्केड्यूल्ड मैसेज में है, आपको 8 बजे मिल जाएगा, बिल्कुल शार्प अपने आप अपलोड हो जाएगा, और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, और लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। जाके आप जहाँ क्लिक करेंगे और डायरेक्ट ये पेज खुल जाएगा आपका। अगर नहीं खुलता है तो आप सर्च में आना टेलीग्राम के ऐप में, और मेरा नाम लिखना सार्वेंद्र, तो आपको यहाँ मिल जाएगा मेरा ग्रुप, और आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे हटाते हैं हम टेलीग्राम को, इसकी इतनी नीड नहीं है अभी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसे एग्जिट करते हैं और इसे रिक्रिएट करते हैं सबसे पहले अपने उसमें नई फोटो में जैसे आपको चाहिए होता है। तो यहाँ मैं PNGs दिखा देता हूँ, ये सारी PNGs हैं जो मेरे पे पड़ी हुई हैं, और ईजिली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने PNGs यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये रिकॉर्डर है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और ये भी ड्रैग करके इसी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी PNG बैकग्राउंड सब रेडी है आपके लिए। यहाँ सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ बैकग्राउंड फोटोशॉप में, और सेम मिमिक करने की मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ और हर चीज़ क्रिएट हो। यहाँ बैकग्राउंड को हमने इंपोर्ट कर लिया है, आपकी मर्जी हो तो आप इसके कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं एस कर्व से ऐसे। ठीक है, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं होती है, मैं बाद में ज़रूर पुट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी फ़ोटो इम्पोर्ट कर दी है, और ये मैंने अनस्प्लैश से उठाई थी, और उसके बाद जस्ट मैंने अपने पोज में क्लिक कर ली थी, और यहाँ पे स्टोन पे खड़ा हो गया था मैं, और जस्ट मैंने ये सब कटआउट करके आपके लिए रेडी कर दिया है कि आप भी ऐसे इजीली कटआउट करके और जल्दी से पेंट करके आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए ईज रहेगा, और पहले से ये मैंने फैदर कर रखी है अच्छे से कि ब्लेंड इन हो जाएगी आपकी इमेज के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ पे अब मिसिंग क्या है, ये लाइट थी। अब लाइट की मुझे यहाँ पे वो बनानी पड़ेगी लाइक रिम। तो रिम बनाने के लिए मुझे ब्रश को 6 पे लाना होता है, और यहाँ ये हार्ड ब्रश है, हार्ड से हटा के सॉफ्ट राउंड फैदर ब्रश पे रखते हैं, और यहाँ पे जस्ट धीरे धीरे जल्दी जल्दी मैं लाइट क्रिएट कर देता हूँ। लाइक ट्यूटोरियल पर्पज है, आप आराम आराम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता है और आप सब देखते हैं तो टाइम लगता है यार, टाइम हर किसी का कीमती है। यहाँ आप पैरों पे भी लाइटनिंग क्रिएट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ लाइट बनानी चाहिए तो आप बना सकते हैं, और इजीली आप देख सकते हैं कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइक एक सेपरेटेड वे में, थोड़ा इधर जिससे एक रफ एजेस लुक आता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ रिम लाइट, तो मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस है, आपको थोड़ा टाइम लगे, तो यहाँ रिम लाइट से आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ गया है वहाँ पे। अब वो ग्लो भी परफेक्ट लग रहा है वहाँ का, जो सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ अपने आप को ब्लेंड करना है, क्योंकि मेरी जैकेट बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे न्यू लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ पे आना है क्लर में, ठीक है। फिर ब्रश लेना है और यहाँ से कोई भी सैंपल कर लेना है, जो भी कलर अच्छा लग रहा हो, और जस्ट मुझे थोड़ा 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 ऐसे करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जीन्स के ऊपर मुझे यहाँ कलर करना है बस, ठीक है। अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्लेंडिंग अच्छे से अचीव नहीं हुई है। अगर आपके कलर में अचीव नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने अगर दूसरे कलर के कपड़े पहने होंगे तो ये यूज़ करना है। अगर आपने ब्लैक कलर के पहने हैं तो आपको यहाँ से लाइटर कलर यूज़ करना है, ठीक है। और लाइटर कलर में फिर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आपने सारी जगह कर दिया, और फिर उसके बाद ओपेसिटी आपने कर देनी है डाउन, ठीक है, अराउंड इतना। तो अब जब दूर से देखेंगे तो वो ब्लैकनेस हट जाएगी और वो ब्लेंड इन लगेगा, ठीक है, इमेज में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब अपनी PSD में जाता हूँ मैं, वहाँ भी देखता हूँ क्या क्या करा है मैंने। तो ये वाले स्टेप तक आ गए हैं हम। उसके बाद रेम स्टोन जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, फेड मैन यही है। अब इम्पोर्ट करना है मुझे मून, तो मून भी इम्पोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। मून कोई बड़ी बात नहीं है, मून भी इम्पोर्ट हो गया है। देखते हैं और कोई ब्लेंड मोड था या यही था। हाँ, लाइट एन था, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे मून को इस बार, ठीक है। अब मून बड़ा हो गया है, उसके बाद फिश को भी इम्पोर्ट कर देते हैं जल्दी से। सो फिश भी इम्पोर्ट हो गई है यहाँ पे, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं फिश। तो हम फिश मून इम्पोर्ट कर चुके हैं। उसके बाद ये हेज है, हेज भी मैंने दे रखी है आपको, जिससे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं ये। तो हेज आपको डायरेक्ट इम्पोर्ट कर देनी है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें। हेज में ये पहले से ही प्री क्रिएटेड है, सब मैंने आपके लिए बना के रखा है, क्योंकि लाइक इन्वायरमेंट कभी भी नहीं पता चलता कि आप कैसा ड्रॉ करेंगे, और हेज आप कैसा ड्रॉ करें और मैं कैसा ड्रॉ करूँगा, तो उसमें फ़र्क बहुत आ जाता है। सो हेज से मैं कोई चांस नहीं लेता, इसलिए मैं हेज आपके लिए ड्रॉ करके रखता हूँ पहले से ही। और यही हेज सारे PSG में भी आपको मिल जाएगी, कॉमन है थ्रू आउट। यहाँ आप लोग भी परेशान नहीं करेंगे। सो यहाँ थोड़ा सा ये क्रिएट है आगे पीछे। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ मैंने स्टैम्प करके कलर ग्रेड कर दिया। अब तो स्टैम्प करके हम इसे भी कलर ग्रेड करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊँ चीज़ कलर ग्रेड करने के लिए, तो आप कमांड जे करके इसे डुप्लीकेट करें और फिर लेके आएँ सॉफ्ट लाइट पर। और यहाँ आप जब इसे लाके बिल्कुल कम कर देंगे थोड़ा, अराउंड 40-49% पे, तो आपको एक बहुत अच्छी कलर ग्रेड प्री मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पे कर रखी है थोड़ी, ठीक है। उसमें थोड़े कलर चेंजेस भी हैं, लेकिन मोस्टली जो केस में था वो था ब्लैकनेस को मुझे अचीव करना। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने अचीव करी है, और वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वे में, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आया होगा कि सॉफ्ट लाइट कैसे कलर ग्रेड में भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखे हैं मैंने फैदर्स, तो ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फैदर्स नहीं है वो, जस्ट जैकेट के पार्ट है। तो सिंपल है यार, एक साइड का ही ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ से आपने बिल्कुल शॉर्ट ब्रश लेना, और फिर यहाँ सैंपल करना है जैकेट, और फिर जो भी आपको ड्रॉ करना है लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर आपको लगे जीन्स में ऐसे करना है, तो यहाँ से आप एक स्पायरल बना सकते हैं जो थ्रू आउट आपके उसमें जाए, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे, और फिर इधर का भी ऐसे और इधर भी ऐसे। सो अब जब मैं दूर करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही अचीव हो रहा है। और इसी को अब जब वेरीफाइड वे में करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे गया है, और फिर थोड़ी एक ब्राइटनेस रखी है मैंने। ये एक ऑटो लेयर होती है जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आएंगे और ऑटो पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा कि आपकी फ़ोटो को इंस्टाग्राम के लिए कैसे एडजस्ट रखे। ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टाग्राम पे कभी कभी आप फ़ोटो अपलोड करते हैं और वो देखते हैं वो ऊपर नीचे कर देता है ब्राइटनेस, तो ये चीज़ करने से वो कभी नहीं करता इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसे ज़रूर करें, और ये एक मेजॉरिटी पार्ट है, और कोई भी एडिटर आपको नहीं बताएगा,
दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। एंड उसके आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ मैंने अपना लोगो इंपोर्ट कर रखा, और स्नोफ्लेक्स की बारी आ जाती है तो स्नोफ्लेक्स भी इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। स्नोफ्लेक्स भी सब आपके लिए रेडी रखा है, और ये थ्रू आउट बहुत अच्छा स्नोफ्लेक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट अदर प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप मेरी PNGs यूज़ करें तो प्लीज़ ज़रूर मुझे मेंशन करें, मैं आपको ज़रूर शाउट आउट दूंगा। अगर आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी, अगर इम्प्रूवमेंट्स हो गए तो मैं ज़रूर आपको वो भी बताऊंगा कि इम्प्रूवमेंट्स करनी है या नहीं करनी है। सो डिपेंड करता है आप पे कि आप मेरे पे कब तक लाते हैं इमेज, मुझे टैग करते हैं। और #sarvin ज़रूर यूज़ करें, मैं ज़रूर डेली देखता हूँ 8 बजे हमेशा शाउट आउट देने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसके बाद ये थोड़ी लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता हो तो ठीक है, मैंने यहाँ डाल रखी हैं लाइट्स हैं। ये है आपकी लाइट, लाइट शाइन, तो ये रही ये और ये रही, तो आप कहीं भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है यूज़ करना, मेरे को अभी यूज़ करना सही नहीं लग रहा, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कर्व डाल रखा है, कर्व से क्या करा है, थोड़ा शाइन क्रिएट करा गया है जहाँ जहाँ मुझे आपका अटेंशन ड्राइव करना है, ठीक है। और उसके बाद की लेयर में कुछ नहीं करा, बस स्टैम्प कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ PSG को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्रिएट करते हैं एक न्यू ग्लो, और यहाँ इन्वर्ट कर देते हैं इसे, और फिर ब्रश डालते हैं, और फिर यहाँ थोड़ा सा जहाँ जहाँ आपको ग्लो लाना है कि ये एरिया अच्छा लगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यून कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऑन ऑफ करूँगा तो आप देख सकते हैं कितना एक ह्यूज चेंज आ रखा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसे, ठीक है, और इसे स्टैम्प कर देते हैं शिफ्ट कमांड ऑल्ट ई, ठीक है। तो यहाँ ये स्टैम्प क्रिएट हो गई है, और ये आपकी इमेज बन के रेडी हो गई है। और प्लीज़ ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और एक नया कंसेप्ट आने वाला है गॉडज़िला के ऊपर, सो आप उसका ज़रूर वेट करें, कल या परसों में मैं डाल दूँगा, और वो बहुत ही एपिक होगा, और उसकी PNGs भी जल्दी शेयर करूँगा। और होप कि वो ट्यूटोरियल के साथ ही फ़ोटो डाले कि वेटिंग टाइम ना रहे, हमें भी पता है कि आपको क्यूरियोसिटी होती है इमेज की। तो अलविदा गाइस, थैंक यू, और ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।